शुरुआत में फैमिली का क्रिकेट खेलने के लिए सपोर्ट ना मिलना, फिर भी क्रिकेट खेलना। लेकिन किसे पता था, एक गैस सिलेंडर डिलीवरी करने वाले का बेटा एक दिन IPL खेलेगा और अपने गेम से सभी को प्रभावित करेगा। मैं बात कर रहा हूँ रिंकू सिंह के बारे में। चलिए जानते हैं रिंकू सिंह का IPL तक का सफ़र कैसे रहा। रिंकू सिंह का जन्म 12 अक्टूबर 1997 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में हुआ। पिता खानचंद्र सिंह LPG गैस सिलेंडर में डिलीवरी मैन थे, माँ वीणा देवी हाउसवाइफ है। रिंकू के पिताजी जैसे तैसे करके घर में दो वक्त की रोटी का इंतजाम करते थे। शुरुआत में रिंकू अपने दोस्तों के साथ टेनिस बॉल और लेदर बॉल से गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे। उसी मोहल्ले से रिंकू के क्रिकेट का सफर शुरू हुआ था। रिंकू ने अपनी पढ़ाई मॉडर्न पब्लिक स्कूल अलीगढ़ से पूरी की है। रिंकू को शुरुआत में इंटर स्कूल टूर्नामेंट में चुना गया था। वहां उन्हें जादव राइडर्स के टीम में चुना गया। उस टूर्नामेंट के पहले मैच में उन्होंने 32 गेंदों में 54 रन बनाए थे और वह उनका लेदर बॉल पे पहला मैच था। रिंकू के पास शुरुआत में क्रिकेट किट और बॉल लेने के लिए पैसे तक नहीं थे और उनके पिताजी खानचंद्र सिंह रिंकू को क्रिकेट खेलने के लिए सपोर्ट नहीं करते थे। वो कहते थे पढ़ाई करो, लेकिन वो कहते हैं ना, जब लोग आपसे खफा होने लग जाए तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर जा रहे। रिंकू के पास क्रिकेट क्लब ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी प्रैक्टिस गवर्नमेंट ग्राउंड से पूरी की है। रिंकू क्रिकेट के साथ साथ उनके पिताजी को सिलेंडर डिलीवरी में भी हेल्प करते थे। रिंकू लगातार टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। उन्होंने अपने क्रिकेट के बेसिक को कोच मसून अमीनी के अंडर सीखी है। रिंकू के पास क्रिकेट किट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपने दोस्तों के ही किट से खेलते थे। उसके बाद सीनियर प्लेयर मोहम्मद जिसान ने रिंकू को किट खरीद के दिया। रिंकू को पोछा पोछने का पार्ट टाइम जॉब भी मिला था, लेकिन उन्होंने मना किया। और रिंकू पढ़ाई में भी अच्छे नहीं थे, इसलिए उनके पास क्रिकेट एक ही ऑप्शन था। उसके बाद उन्होंने पूरा फोकस क्रिकेट पे ही किया। 2010 में रिंकू ने अंडर 16 ट्रायल लिया, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन 2012 में उनका अंडर 16 में सिलेक्शन हुआ और डेब्यू मैच में उन्होंने 154 रन बनाए थे। एक बार स्कूल में वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हुआ था और फाइनल में रिंकू के पिताजी भी देखने आए थे और उन्होंने फाइनल में लाजवाब पारी खेली। रिंकू को उस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया और पिताजी को पता चल गया था इसका करियर क्रिकेट में ही बना है। 5 मार्च 2014 को लिस्ट ए क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। डेब्यू मैच में उन्होंने 87 बॉल्स में 83 रन बनाए और दो विकेट भी चटकाए अगेंस्ट विदर्भा। 31 मार्च 2014 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनका T20 डेब्यू हुआ। उन्होंने डेब्यू मैच में 5 गेंदों में नाबाद 24 रन बनाए। इसी मैच में कुलदीप यादव और जितेश शर्मा ने भी अपना डेब्यू किया है। 5 नवंबर 2016 को रणजी ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के खिलाफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया। रिंकू को अंडर 19 में सेंट्रल जोन टूर्नामेंट में और अंडर 23 में उत्तर प्रदेश टीम की कैप्टनसी भी करने का मौका मिला था। 2018-19 रणजी ट्रॉफी में रिंकू ने 10 मैचों में 953 रन बनाए, एवरेज 48। उत्तर प्रदेश टीम के हाईएस्ट रन स्कोरर थे। उनके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें 2018 IPL ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने टीम में शामिल किया। 2018 में रिंकू ने 4 मैचों में सिर्फ 29 रन बनाए, एवरेज 7.25, स्ट्राइक रेट 95.54। 2018 से 2020 तक उन्हें ज़्यादा मौके नहीं मिले। उन्होंने सिर्फ 10 मैच खेले, उन 10 मैचों में सिर्फ 77 रन बनाए और डोमेस्टिक लेवल पर भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। 2020-21 विजय हजारे ट्रॉफी में 4 मैचों में 111 रन बनाए, हाईएस्ट स्कोर 61 बॉल 62 रन, जिसमें 7 चौके और एक छक्का शामिल था अगेंस्ट कर्नाटका। 2020-21 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 2 मैचों में सिर्फ 20 रन बनाए, उसके बाद उन्हें टीम से ड्रॉप भी किया गया। उनके इस खराब प्रदर्शन को देखते हुए रिंकू को 2021 IPL में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन रिंकू उदास नहीं हुए। उन्होंने वापसी की। 2021-22 विजय हजारे ट्रॉफी में 7 मैचों में 377 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 4 अर्धशतक शामिल थे। हाईएस्ट स्कोर 98 गेंदों में 104 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 2 छक्के शामिल थे अगेंस्ट झारखंड। 2021-22 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 5 मैचों में 187 रन बनाए, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल थे। रिंकू सिंह के इस लाजवाब परफॉर्मेंस को देखते हुए 2022 IPL ऑक्शन में फिर से KKR ने रिंकू को 55 लाख के प्राइस पर टीम में शामिल किया और उन्होंने इस बार निराश नहीं किया। 2022 IPL सीजन में रिंकू ने 7 मैचों में 34.80 के एवरेज से 174 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 148.72, जिसमें एक बार 18 मई 2022 को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 266.67 के स्ट्राइक रेट से 55 गेंदों में 40 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के और 2 चौके शामिल थे। तो यह थी कहानी रिंकू सिंह की। हम लोग प्रे करते हैं रिंकू यूं ही लगातार अच्छा परफॉर्म करते रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।